हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट एडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। लगभग 8.27% का गेन देखने को मिल रहा है। पॉइंट वाइज डेफिनेटली 1 पॉइंट का ही गेन है। क्लोजिंग 13.86 के ऊपर होती हुई नजर आ रही है, जो जुलाई महीने में या जुलाई के बाद के महीने में दिनों के बाद में आज तक का हाइएस्ट लेवल क्लोजिंग माना जाएगा। ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर में वोलाटाइल सेशन होने वाला है। अब जब वोलाटाइल सेशन मतलब क्या हो गया, वोलाटाइल सेशन मतलब ये हो गया कि मार्केट के अंदर में मूवमेंट फास्ट आ सकते हैं, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में वैसा देखने को भी मिला। मॉर्निंग में एसजीएक्स निफ्टी 8 बजे के आसपास में कुछ 50 पॉइंट नीचे काम कर रहा था। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आज हम 16,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहेंगे। बट बेहतरीन रैली 241 पॉइंट्स की रैली देखने को मिल रही है निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी के अंदर में लगभग 500 पॉइंट्स का मूव आते हुए नजर आ रहा है। इसी के चलते डेफिनेटली निफ्टी एक ऐसे जोन में आ गया जहां पे कभी नहीं पाया, यानी ये लाइफ टाइम हाई के आसपास में है, लेकिन बैंक निफ्टी 35,200-35,300 का जो जोन है उसके नज़दीक आता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, और बैंक निफ्टी प्रीमियम भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ में है। सो लगभग कल 100 प्लस था, आज लगभग 90-92 पॉइंट्स के आसपास में काम करते हुए, प्रीमियम में काम करते हुए नजर आ रहा है। सो ओवरऑल दिन बेहतरीन था, शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला, जिसके चलते हुए निफ्टी मजबूत आज पोजीशन में क्लोज होते हुए नजर आया हुआ है। हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था, मॉर्निंग में 15,900 का पी हमने बाय किया था। रीजन क्या था इसके पीछे बाय करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं 15,950 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो एक्सपेक्टेड था कि शायद रेजिस्टेंस का काम करेगा। 58 के आसपास में हमने बाय किया था, 35 कुछ लोगों ने 42 के आसपास में हमने यहाँ पे लॉस बुक किया, वहाँ से निकले। फिर ट्रेड चेंज किया, 16,100 का कॉल ऑप्शन बाय किया, 28 के आसपास में हमने बाय किया था, 65 पे स्क्वायर ऑफ किया, लगभग 3,700 का यहाँ पे प्रॉफिट होते हुए नजर आया। सो ओवरऑल दिन की शुरुआत यानी महीने की शुरुआत हो चुकी है, लगभग 1,550 रुपीस का प्रॉफिट होते हुए नजर आया, जो कि लास्ट मंथ में अराउंड 50,256 के आसपास था। कल भी मैंने डिस्कस किया था कि इस महीने का टारगेट अराउंड 8 लाख रुपीस के आसपास इस टोटल बेनिफिट को लेके जाना, टोटल प्रॉफिट को लेके जाना, तो डेफिनेटली ऑन द वे आप बोल सकते हैं, पाइपलाइन में वो प्रोग्रेस चल रहा है। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो www.smarttradersclub.com पे विजिट कर सकते हैं ताकि आपको और ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। अभी तक जो भी ट्रेड शेयर किया है, लगभग 374 ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, वो 73.80% के सक्सेस रेशियो के साथ में शेयर किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी 50 में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स अब बनते हैं, क्या बैंक निफ्टी 35,300 के आसपास फिर से रेजिस्टेंस ले सकता है, और डेरिवेटिव डेटा के अंदर में क्या इंडिकेशन मिल रहा है। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे अलग अलग वीडियोस के अंदर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं। नाउ कल के दिन में हमने दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। पहला ट्रेंड लाइन था कुछ यहां पे इस तरह का, सो ऑलरेडी आज हम उसके ऊपर में चले गए हैं, पॉजिटिव क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से मानी जानी चाहिए। और दूसरा ट्रेंड लाइन जो था वो कुछ इस तरह का था, सो ये दो कैंडल को हमने मैच करके बनाया था। क्यों इस ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को एक बार ऑलरेडी रिस्पेक्ट किया है 19 जुलाई को, और उसके नीचे के क्लोजिंग के बाद में साइडवेज मूवमेंट चल रहा था। आज हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास में पहुंचे हैं। कल के वीडियो में भी हमने ये बात की हुई थी कि जब तक क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर की ना आ जावे तब तक पॉजिटिव नहीं होना है। सो कल शुरुआत के एक घंटे का ट्रेड बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर काम करते हुए नजर आए, कंटिन्यूसली सपोर्ट लेते हुए नजर आए, तो सोच के चलिए या समझ के चलिए कि जो रेंज बनी हुई है 19 जुलाई से, उस रेंज को तोड़ के हम दूसरे रेंज में शिफ्ट हो रहे हैं। और वो रेंज कौन सी बनेगी आपकी, वो रेंज बनेगी 35,200 से लेके 36,000 के बीच की। एक क्वेश्चन दिमाग में जो आना चाहिए, बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई बनाया, साइडवेज में गया, फिर से निफ्टी लाइफ टाइम हाई बनाया, साइडवेज गया, फिर से लाइफ टाइम हाई के आसपास में क्लोज होता हुआ दिख रहा है। लाइफ टाइम हाई आज नया फ्रेश बनाते हुए नजर आ रहा, लेकिन बैंक निफ्टी ऐसा कब करेगा। बैंक निफ्टी में कंटिन्यूसली आपको रेजिस्टेंस देखने को ऊपर की तरफ मिल रहा है, उन रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर में। पहले आरएसआई देख लेते हैं, आज आरएसआई ने क्या किया। आरएसआई जो कल थोड़ा वीक दिख रहा था, आज के दिन में 50 के आसपास में, 53 के आसपास में काम करते हुए नजर आ रहा है। ये आरएसआई अगर ऊपर की तरफ में 60 के ऊपर निकल जाए, 60 हाईएस्ट टू बी स्पेसिफिक,
5960 की बात कर सकते हैं। इसके ऊपर एक बार निकल जावे तो आपको ऊपर के मूव देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने निफ्टी वाला वीडियो देखा रहेगा तो आपने देखा रहेगा कि बैंक निफ्टी जो है वो फिलहाल ओवरसोल्ड कंडीशन यानी 65 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और अभी रिसेंटली ओवरसोल्ड कंडीशन में था भी। बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड कंडीशन में 18 February 2021 को था, उसके बाद में अब। सो इसका 60-65 वाला जो लेबल है उसको तोड़ के ऊपर की तरफ सस्टेन करना बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोग इस बात पे आर्ग्यू कर सकते हैं कि RSI के अंदर में लेबल देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। ज़रूर देखना चाहिए सर, RSI का काम ही वही है, तो उसको लेबल्स देखना चाहिए। यहाँ से स्ट्रेंथ समझ में आता है, ये जो पर्टिकुलर मूव दिख रहा है इसका स्ट्रेंथ क्या हो सकता है। बोलिंगर बैंड देखेंगे तो बोलिंगर बैंड में आपको क्लियर कट नज़र आएगा कल के दिन में, जो 20 डेज का मूविंग एवरेज उसके नीचे, आज उसके ऊपर क्लोजिंग करते हुए नजर आया। सो कल इस पे भी नजर रखिए कि 20 डेज का जो मूविंग एवरेजेस है लगभग लगभग 35,100 के आसपास में है, उस मूविंग एवरेजेस से कहां पे अगर उसे तोड़ के वापस नीचे की तरफ आते हैं तो तैयारी रखिए, वापस से आप 34,600-700 के पास जा सकते हैं। और अगर इसके ऊपर ही काम करते रहें तो बोलिंगर बैंड भी 36,000 का इंडिकेशन दे रहा है। सो निफ्टी के ऊपर में वॉकिंग दी बैंड, और बैंक निफ्टी में जो मिडिल लाइन है, जो एवरेज लाइन है, उसे तोड़ के ऊपर की तरफ अपर एनवेलप में जाने की कोशिश हो रही है। निफ्टी बैंक के लिए पॉजिटिव न्यूज है ये। सो क्या करें, इसके अंदर में ट्रेड क्या इनिशिएट करना चाहिए? बेहतरीन ट्रेड देखने को मिला। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म के अंदर में जो एक बॉर्डर था या शॉर्ट टर्म के अंदर में जो रेजिस्टेंस था 35,145 का, उसके ऊपर क्लोज होते हुए नजर आए। अब आने वाले दिनों में आपको ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस मिलेंगे वो होंगे 35,300 की बात कर सकते हैं। सो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है, इसके लिए बाय ऑन डिप्स की रणनीति होनी चाहिए। और अगर आपको नीचे की तरफ बैंक निफ्टी मिलता है किसी रीजन की वजह से 35,000 के आसपास में, तो एक बार लॉन्ग कर लीजिए। लॉन्ग करना है, स्टॉप लॉस आपको लगाना है 34,900 के आसपास में। पहले भी हम इन लेवल्स पे काम कर चुके हैं, और ऊपर की तरफ जो टारगेट बनेगा वो 35,300 का बनेगा, 35,400 का, 35,600 के आसपास का, एंड 35,800 के आसपास का टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है। लेट्से कल भी 600-700 पॉइंट निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर चला जाता है तो शॉर्ट मत करिए। नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि शॉर्ट करना चाहिए उन लेवल्स के आसपास में, लेकिन शॉर्ट मत करिए। क्यों शॉर्ट मत करिए? हो सकता है 36,000 टूटता हुआ नजर आए। जिस तरह से निफ्टी के अंदर में आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, चांसेस बनते हैं बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले। सो उस हिसाब से थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, उस हिसाब से थोड़ा सा ऊपर के लेवल्स पे शॉर्ट नहीं करें तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। एक दो दिन अवॉइड कर लीजिए, वो शॉर्ट करने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। या तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ठीक है, 35,800 के आसपास में पोजीशन बनाइए। 36,000 का एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए आई एम जस्ट राइटिंग इट, 35,800 के आसपास में शॉर्ट बनाइए, 36,000 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और नीचे की तरफ फिर आपके लिए 35,300 के आसपास का एक बार टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है, इन केस अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो। नहीं तो ज़्यादा चांसेस हैं एक बार ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? ऑप्शन चैन देख लीजिए। ऑप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग हमारी कहाँ है? 35,200 के आसपास। सो 35,200 हमारा एट द मनी होगा, और वहाँ पे हम पोजीशन देखते हैं 35,344 एंड 22,495 का पोजीशन देखने को मिल रहा है कॉल एंड पुट साइड में। नाउ अगर इसे समझने की कोशिश करें सो डेफिनेटली कॉल साइड में पोजीशन अच्छी बनी हुई है। राइट थिंग आपको काफ़ी नीचे लगभग 36,700 के आसपास में देखने को मिल रही है, लॉन्ग पोजीशन बनता हुआ नजर आ रहा है। सो क्या करना चाहिए? 52,405 का एक पोजीशन 35,500 पे, एंड 52,030 का आपको 36,000 पे पोजीशन देखने को मिल रहा है। क्या बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 35,000 पे अभी भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 52,300 का बना हुआ दिख रहा है। सो अगर कल के दिन में वो जो ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा था उस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं सो चांसेस बनता है कि एक बार शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले आप इस लेवल पे 35,200 पे एक बार शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले जो आपको 35,600-700 लेवल पे लेके जा सकती है। अगर पुट साइड में देखेंगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया 64,322 जो कि 35,000 पे आ चुका है। जब भी मूवमेंट होता है और उस मूवमेंट के साथ में आपको शिफ्ट इन
ओपन इंटरेस्ट देखे तो डेफिनेटली वो जो ट्रेड होता है वो ट्रेड इंपॉर्टेंट बनता है। आप राइटिंग भी देख लीजिए, 20,000, 22,000 एंड 44,694 लॉट का आपको राइटिंग, बेहतरीन राइटिंग देखने को मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं पुट राइटर्स इस समय काफी कॉन्फिडेंस में है कि मार्केट ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है, और अगर कहीं ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट मिला तो वो पॉसिबल भी बन सकता है। सो लेट्स क्रॉस योर फिंगर, 35,600 के लेवल्स एक बार बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट करते हुए नजर मतलब नजर रख सकते हैं। सो रेंज क्या हो सकती है, 35,000 से 35,600 की बात कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर इसे तोड़ते हुए नजर आए तो 35,700 से 36,000 के बड़े रेंज में काम करते हुए नजर आ सकते हैं। स्ट्रेडल क्या इंडिकेट कर रहे हैं, स्ट्रेडल अगर आप देखें तो 400 पॉइंट का इंडिकेशन दे रहे हैं, जो 35,200 से नीचे की तरफ 34,400 और ऊपर की तरफ 35,600 की बात कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।